साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देख लूँ, चाहे वो आपकी है या कोई मूवी देख लूँ इंस्पिरेशनल, तो एकदम आई गेट वेरी चार्ज्ड अप, बहुत सारी मोटिवेशन आ गई। फिर वो मोटिवेशन एक दो दिन तक तो चलती है कि हाँ आप तो बस कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर देंगे दुनिया में, बट फिर ठंडी हो जाती है धीरे धीरे करके। फिर थोड़े दिनों बाद, एक महीने बाद एक और वीडियो देख लेंगे तो फिर से चार्ज। हर हफ्ते अपलोड करता हूँ, आप एक महीने में क्यों देखते हो? वीडियोस जो हम देखते हैं वो हमें उसका असर टेंपरेरी होता है। हाँ, उसका असर टेंपरेरी होता है। हाँ हाँ, सारे बोल लो। हाँ हाँ, जो भी मैं कर रहा हूँ उसकी धज्जियाँ उड़ा दो सब लोग। कितने चाहते हैं इस पॉइंट को मैं आगे और एक्सप्लेन करूँ? इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी टाइम कितना रह गया हमारे पास में अजय? सर हमारे पास 20 मिनट और रह गया। 20 मिनट है हमारे पास। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस 20। सब अलर्ट हो, सीधे बैठो, ऐसे ढीले ढाले नहीं, सुनो ध्यान से। थोड़ी ओवर एक्टिंग में मजा आता है। आपको पता है ना, मैं पहले मॉडल बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए धक्के खाए थे, वहां कुछ हुआ नहीं तो मेरे को यही निकाल लेता तो ठीक है। सेलिब्रिटी तो आप आज ही बन गए। किसने बोला ये? थैंक यू सो मच जी, सेलिब्रिटी बना दिया आपने हमें। मॉडल की जगह रोल मॉडल बन गए। बस हो गया, अब तो टॉपिक पे आए। हाँ, बहुत सारे लोगों का आइडल हो। लोगों ने तालियां बजानी बंद कर दी। लोग अंदर यहाँ पे बस करो, एक दो बार समझ आ रहा है तो शुरू ही हो गए सारे के सारे। हाँ ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अच्छा, इनसे एक लेवल और ऊपर की बात किसी के पास में है तो वो खड़ा होकर के बोल सकते हैं। बोलो कुछ ऐसा कि मतलब लोग खड़े होकर के तालियां बजाए, पागल हो जाए, कपड़े फाड़ दें अपने। बोलो, माइक दो इनको, माइक दो भाई साहब को। ये बोलेंगे, इसके बाद इनसे भी एक और ऊपर लेवल का किसी के पास में होगा, वो बोलेगा। जब तक पूरा लेवल फट नहीं जाता, जब तक ये मार काट नहीं मच जाती, ये स्पीकर वीकर सब तोड़ देंगे लोग, ये बल्ब छोड़ देंगे, यहाँ सब पागल हो जाएंगे। हाँ बोलो कुछ ऐसा कि मतलब मजा आ जाए सुन करके। सर मैंने फर्स्ट टाइम अक्षय कुमार को देखा था। हाँ, फर्स्ट टाइम अक्षय कुमार को देखा था, वैसे लग रहे हो। फर्स्ट टाइम अक्षय कुमार को देखा था, वैसा लग रहा। और इससे ऊपर किसी के पास में कुछ आपके पास में है? हाँ, माइक दो। दिल की धड़कनें बढ़ गई है, क्या आने वाला है? सर मैं जब पहली बार आपको देखा था ना, मुझे आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कौन है संदीप महेश्वरी। मेरे भैया हैं नवीन भैया, उन्होंने आपके बारे में बताया। उस टाइम से सर मैं आपका बिग फैन हो गया और आप मुझे बहुत काम आते। जब मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा होती ना तो मैं उसको आया भाई, आया पंच आया। जब आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा होती है तो मैं ना वो मैं बहुत काम आता हूँ, कैसे ये मैं भी जानना चाहूंगा। सर जब मैं कुछ करता हूँ और मेरे पे गुस्सा हो जाती है तो मैं आपका वीडियो सेंड कर देता हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? मैं आपका वीडियो सेंड कर देता हूँ, बोलता हूँ ये देखो गुस्सा मत किया करो, संदीप महेश्वरी सर ऐसे बोलते हैं, ठीक है? फिर जब उसको बहुत गुस्सा आएगा तो मैं बोलेगी हमेशा संदीप महेश्वरी कहते रहते हो, है ना? अच्छा, मतलब गुस्सा शिफ्ट हो जाता है। हाँ। पहले आप पे गुस्सा आ रहा होता है, फिर आप मेरी वीडियो भेजते हो तो मुझे गालियाँ पड़ रही होती है। किसकी भेजी है ये? कौन है ये? ये कौन होता है दोनों के बीच में आने वाला? वो भी आपको लाइक करती है, आपकी वीडियो देखती है। अच्छा, मैंने उनको भी ये लिंक सेंड किया था, वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, बहुत बुरा हुआ ये, बट आई अंडरस्टैंड। अब सर एक क्वेश्चन था मेरा। नहीं नहीं, क्वेश्चन रुक जाओ, अभी आपसे ऊपर का देख, इनसे ऊपर कौन जाएगा भाई? अच्छा एक वोटिंग कर लेते, कितने चाहते हैं अभी हम लेवल को बढ़ाएं, कितने चाहते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे आए? एक मिनट, कितने हैं लेवल को बढ़ाने वाले, हाथ ऊपर करो। मतलब पंडर लोग हैं, मजे लेने आए हैं। हाँ, और कितने चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का अब हम आंसर पे आए? ठीक है जी, देखो 3 चीज़ें हैं, जब तक इन तीनों में बैलेंस नहीं होता ना, तब तक ये मोटिवेशन हमेशा बना नहीं रह सकता है। 1 is your body, 2nd is your mind, 3rd is intellect। आप जिस तरह से खाते हो, जिस तरह से बैठते हो,
जिस तरह से चलते हो, जो सुबह से रात तक करते हो, यानी अगर अपने मोबाइल पे आप टाइम पास कर रहे हो दिन में 4 घंटे, फिर आप कह रहे हो कि मोटिवेशन टेम्पररी है, तो लॉजिकल है क्योंकि बॉडी पूरी स्टिफ हुई पड़ी है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है। मैनी टाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम हमारी बॉडी के लेवल पे होती है और हमें लग रहा है माइंड के लेवल पे। बहुत बार होता है माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम होती है, बॉडी ठीक होती है और हम अननेसेसरी बॉडी पे काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक बड़ी साइलेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए अपनी खुद की लाइफ की, मतलब खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो, कोई डॉक्टर भी नहीं समझ सकता है। डॉक्टर के पास टाइम कितना होता है, 2 मिनट में आप जाओगे, नहीं भी हो ना कभी बीमार, कभी ट्राई करके देख लेना, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ गोलियां दे के ही भेजेगा आपको, बोलना हाँ जी मैम ले बेटा ये खा ले खत्म। वो उसकी भी गलती नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको तो 100 पेशेंट्स को देखना है, तो 2 मिनट में वो आपको क्या समझेगा। तो ऑब्जर्व करो कि ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी के लेवल पे है या माइंड के लेवल पे है। फिजिकली क्या आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, आलस आ रहा है, जब आप कहते हो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल आपको नाचना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन आपका डांस करने का भी मन नहीं कर रहा, तो जो अच्छा लग रहा है वो भी करने का मन नहीं कर रहा, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो अपनी डाइट को ठीक करो, गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। आप कह सकते हो बहुत बड़ा कॉज होता है बॉडी का हमारा, जिस तरह का आज के डेट में हमारा लाइफस्टाइल है, हम लोग सब कहीं गांव में तो रह नहीं रहे हैं, खेतों वेतों में तो है नहीं कि लोटा लेके निकल गए कहीं पर भी, बैठे रहते हैं वहां पे भी मोबाइल देखते रहते हैं, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, यानी क्या कहानियां चल रही है अंदर से, सब वॉट लगी पड़ी है। तो कोई ऐसा बंदा जो बॉडी को समझने में एक्सपर्ट हो, उससे आप जा करके राय ले सकते हो, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे और क्या होगा। जो बंदा एक्चुअल में एक्सपर्ट हो, मान लो किसी ने मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी किया हुआ है और भी उसने काफी जगह से कुछ सीखा हुआ है, तो 1000-2000 रुपए ले भी लेगा तो वो जिंदगी भर काम आने वाला है आपके। कभी नोट करना, जब बॉडी कई बार बिल्कुल सही काम कर रही होती है तो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है, उस वक्त आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत ही नहीं है, किसी अच्छे थॉट की जरूरत ही नहीं है। बहुत ज्यादा थॉट्स की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा वीडियोस की जरूरत पड़ रही है, तो समझ जाओ कि अंदर बॉडी में गन मचा पड़ा है। बड़ी सिंपल सी एक चीज है, जब कभी इस चीज को नोट किया है, ऑब्जर्व किया है, जब पेट पूरा प्रॉपर्ली साफ हो जाता है तो क्या होता है, अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है। आयुर्वेदा में कहते हैं हर बीमारी का जड़ पेट से है, आपका पेट कैसा है वो सिर्फ आपको पता है, उसका वीडियो से क्या कनेक्शन है, मेरी वीडियो देखते रहो बैठे बैठे समझे। आयुर्वेदा का या ये कह लो लाइफ का एक बेसिक सा लॉ है, वो क्या है, पेट नरम पैर गरम सर ठंडा। ज्यादातर क्या हो रहा है, इस सब का बिल्कुल उल्टा हो रहा है, पेट लोगों का टाइट है मतलब 4-5 दिन तक भी बिना कुछ करे आराम से चल रहे हैं और पैर ठंडे हुए पड़े हैं, सर गरम है, गुस्सा स्ट्रेस प्रेशर इस सब की वजह से क्या होता है, सर गरम हो जाता है। उसकी जड़ हो सकती है कोई खाना हो, कुछ गलत खा रहे हो, आपकी बॉडी टाइप हो सकता है। अब बहुत टेक्निकल हो जाएगा यार, ये सुना है आपने इसके बारे में, वात पित्त कफ, तो हो सकता है आपकी बॉडी टाइप जो है वो पित्त टाइप की है। पित्त का मतलब होता है हीट, हीट पहले ही बहुत ज्यादा है, फायर एलिमेंट पहले ही बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी में, आप और बढ़ा रहे हो, सारा मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हो सुबह से रात तक, जिसकी वजह से फायर और बढ़ रही है। गुस्सा आना, टिक करके ना बैठ पाना, फड़फड़ाते रहना, ये सब चीजें होने लग जाती है। जब वात बढ़ जाता है, दैट मीन्स वायु दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर थॉट्स, तब थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको ये समझना है ये जो थॉट्स आ रहे हैं उसकी जड़ क्या है। अब ये क्या है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको यहां पर करने होते हैं, कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां पर जाके आप ये एक्सपेरिमेंट कर सको, क्योंकि जिस भी लेबोरेटरी में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं बॉडी को समझने के लिए, वो सब फंडेड है फार्मा कंपनीज से, तो वही उस रिसर्च में निकल करके आता है जिसमें उनका फायदा है। तो एक्चुअल में जो लेबोरेटरी है आपके पास में वो ये है, आपकी खुद की बॉडी है, इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या कर सकते हो। आजकल हमने क्या गड़बड़ करी है, घी तेल ये वो ये खाना बहुत कम कर दिया या छोड़ दिया है। अगर थॉट ज्यादा आ रहे हैं तो रात को जब आप खाते हो खाना, जब भी खा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा घी गर्म करो, देसी घी बुरा नहीं है, आज न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, 2 छोटी चम्मच उसको गर्म करो, अच्छे से डालो जो भी आप खा रहे हो उसके अंदर, रात को थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आ जाएगी। बहुत ज्यादा आप इसको कंपोनेंट को बढ़ा दोगे, यानी घी भी बहुत ज्यादा खाने लग जाओगे तो बिल्कुल ही आलसी हो जाओगे, फिर बिल्कुल ही थॉट्स आने बंद हो जाएंगे 10 चम्मच खाओ और सो जाओ
ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ऐसे समझना होता है। अगर मेरी वीडियोस को यूज करोगे सिर्फ माइंड के लेवल पे, माइंड क्या है, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, चार्ज्ड अप हो गए, बढ़िया फीलिंग आ गई, बढ़िया इमोशंस आ गए, वो कितनी देर तक टिकने वाला है? कुछ घंटे के लिए, मैक्सिमम एक दो दिन के लिए। उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि बॉडी तो साथ दे ही नहीं रही है। मुझे फीलिंग बहुत आ गई, मैं ये मैं वो, मैं माइंड में पता नहीं क्या बन गए आप, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में अंदर बॉडी में जान ही नहीं है। एक है माइंड के लेवल पे फील करना कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर हूं, एक एक्चुअल में बेस्ट क्रिकेटर बनना, उसमें फर्क है, नहीं है? तो आप क्या कर सकते हो, नंबर वन, मेरी वीडियोस को माइंड के लेवल पे देखना बंद कर दो, ठीक है? वो जो हो रहा है दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, डोंट थिंक दैट इज द रीजन फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस, तो बेकार है। तो बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास में एक बहुत तगड़ी गाड़ी है, मान लो फेरारी है, और उसके आगे आप बैल बांध करके चला रहे और बैठ करके खुश हो रहे हो, हाँ हाँ बड़ा मजा आ रहा है, चल सकती है 500 की स्पीड पर, 5 की स्पीड पर चला रहे हो, तो कैसे देख सकते हो मेरी वीडियोस को? अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग इज द लेवल ऑफ द इंटेलेक्ट, समझ का खेल है सारा का सारा, कि आपको समझ आ जाए कि कब लाइफ में क्या चीज कहां पर कैसे काम आती है। रिलेशनशिप्स अपनी जगह पर है, काम अपनी जगह पर है, पैसा अपनी जगह पर है, हेल्थ अपनी जगह पर है, थॉट्स की क्लैरिटी अपनी जगह पर है, ये नजर आ जाना चाहिए। तो वहां से आपको थॉट की लिमिटेशन नजर आ जाएगी कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से आपको एक्शन की लिमिटेशन नजर आ जाएगी कि सिर्फ फिजिकली एक्ट करने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हर चीज को आप अपनी अपनी जगह पर रख दोगे, जैसे पजल्स नहीं होती हैं, पजल वाली गेम बचपन में खेली है ना हमने, कि इधर से पीस उठाया और उसको लगाया, ये करा वो करा, लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है, इट्स अ पजल। अब मैं इसको समअप कर देता हूं जो भी मैंने कहा, ताकि और क्लैरिटी बढ़ जाए। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में फर्क समझ आ गया है? बॉडी के लेवल पे क्या जरूरी है? अच्छा फ्यूल, अच्छी डाइट। अच्छी डाइट का मतलब क्या? जो दुनिया कह रही है अच्छी है, जो बुक्स कह रही है अच्छी है, जो गूगल कह रहा है अच्छी है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, हमारी बॉडी का एक टाइप है उसके लिए अच्छी है। नंबर टू, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हम फिजिकल एक्टिविटी कब छोड़ देते हैं? जब हम लाइफ को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही नैरो कर देते हैं, गोल 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 गोल, काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, बस। तो उस चक्कर में क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। दिन में 16 घंटे पागलों की तरह पढ़े चले जा रहे हैं। तो वो क्या रहा है, एक्चुअल में तो हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट देखोगे तो 4 घंटे का भी नहीं है। करना क्या चाहिए, आप चाहे 8 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 8 घंटे का आउटपुट 16 घंटे का होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 घंटा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मस्ट है। देखो अपने आप अच्छा फील होने लग जाएगा, होता है नहीं होता है? फिजिकली एक्टिव हो जाओ, और फिजिकली एक्टिव तब हो पाओगे जब डाइट ढंग की होगी। आप फिजिकली तो एक्टिव होना चाहते हो, डाइट बिल्कुल ही रद्दी है, तो क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे साथ छोड़ देगी, यहाँ पे दर्दें आने लग जाएंगी, ये हो जाएगा। जब भी कोई लाइफ में दर्द आ रहा है किसी भी तरह का, मतलब बॉडी में कभी भी किसी भी तरह का कोई पेन आ रहा है, तो इमीजिएटली अलर्ट हो जाओ, उसको इग्नोर मत करो। जैसे गर्दन ऐसे कर रहे हो, नहीं हो रही, इमीजिएटली अलर्ट हो जाओ, नहीं तो ऐसा एक दिन आ जाएगा जब सब डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर देंगे। शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से, उसके बाद में दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, फिर इतनी सारी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं वो प्रॉब्लम्स कि संभालना ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो लाइफ को सिंप्लीफाई करो, लाइफ को 3 चीजों में डिवाइड कर दो, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, चौथा भी है वैसे कुछ जो इसका बियॉन्ड है, बट वो बाद का स्टेप है। जब एटलीस्ट इस दुनिया में कुछ कर लोगे तब उसके बारे में सोचना शुरू करना, अभी सोचने लग जाओगे तो ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे, बैठ करके सोच रहे होगे आई एम दी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, पीछे से गालियां पड़ रही होगी, सुबह से रात तक पड़ा रहता है, खाता रहता है बोटियां, या कुछ कर ले, आई एम द सोल, आई एम द पीसफुल सोल। तो इन तीनों के बियॉन्ड क्या है, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ है और उसको जानना बहुत जरूरी है। बट वो तभी हो सकता है जब एटलीस्ट इस लेवल को तो आप जानो, बॉडी को टट्टू समझ रहे हो तो उसके बियॉन्ड की तो बातें हो गई, समझे? बॉडी जो यही है आपके सामने है, जिससे जरूरी और कुछ नहीं है। बॉडी को समझना, बॉडी को फिट रखना बिना किसी केमिकल्स के, नहीं तो उसके लिए भी हमको केमिकल्स चाहिए, जिम में जाते हैं पूरे केमिकल्स चाहिए, पता नहीं क्या क्या बॉडी में डालेंगे तब जाके ताकत आती है। अरे ना, नेचुरली कैसे हो? ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना, देखना कि उस ब्रीदिंग का हमारी एनर्जी से क्या कनेक्शन है, ब्रेथ इज एनर्जी। तो बॉडी समझ आई, माइंड क्या है, हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस उठते रहते हैं,
वहां पे सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरी कोई चीज नहीं, वो क्या है, एक्साइटमेंट और डिप्रेशन, दोनों से कुछ नहीं होता, दोनों टेम्पररी है। हमेशा के लिए एक्साइटेड रह सकते हो? नहीं। हमेशा के लिए डिप्रेस रह सकते हो? हमेशा के लिए कोई भी डिप्रेस नहीं रह सकता, हमेशा के लिए एक्साइटेड नहीं रह सकते हो। हाँ, अंदर से थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हो और जबरदस्ती एक्साइटेड हो रहे हो, मतलब इसको इस तरीके से देखो कि अंदर से बीमार हो और एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, और बीमार हो जाओगे। एग्जैक्टली, इस बात को समझ पा रहे हो? जिम बीमार लोगों के लिए नहीं है, हॉस्पिटल है बीमार लोगों के लिए। हार है समझ में? हाँ, जिम फिट लोगों के लिए है जो और फिट होना चाहते हैं। अब आप बीमार हो, पूरी तरह से अंदर से वॉट लगी पड़ी और जिम में चले मरे पड़े होगे, टूट फूट जाओगे। ध्यान से समझो, माइंड के लेवल पे दो ही चीजें होती है, या तो एक्साइटेड होते रहते हैं हम किसी पर्सन को लेकर के, किसी काम को लेकर के, या किसी की बातों को लेकर के, लाइफ में जो हो रहा है उसको लेकर के हम डिप्रेस होते रहते हैं। ये माइंड है, दोनों ही तरफ ट्रैप है। तो माइंड को ज्यादा सीरियसली मत लो। आप मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हो? माइंड के लिए, अच्छा फील हो जाए, उससे क्या होगा? अभी बुरा फील हो रहा था, अब अच्छा फील होने लग गया, फिर थोड़ी देर में बुरा फील होने लग जाएगा, उससे क्या होगा? बुरा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है, पैसा कैसे आएगा? अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करो। नहीं, अच्छा फील होने से पैसा आ जाता है, मोटिवेशन से पैसा आ जाता है, समझदारी से आता है ना। समझदारी का लेवल क्या है? इंटेलेक्ट, जिसको हम इग्नोर करते हैं। इंटेलेक्ट मतलब वो चीजें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस पूरी दुनिया के लिए, उसको सिंप्लीफाई कर देना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट से अब इंटेलेक्ट भी दो धारी तलवार है। यहां पे क्या है कि आप सिंपल से सिंपल चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे। दुनिया में ज्यादातर लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वो यही करते हैं सुबह से रात, अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भर दी है और उसके बेस पे कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। 1000 बुक्स पढ़ लो तो जब पढ़ लोगे तो कुछ तो पढ़ ही लिया है ना, अंदर कुछ भर गया है ना, तो बाहर आने लग जाएगा। मुझे पता नहीं कितने साल हो गए हैं, मेरे घर में पूरा का पूरा बुक शेल्फ था, वो खाली हो चुका है पिछले 4-5 साल से, एक भी बुक नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल बुक। क्या करना है? लाइफ को ऑब्जर्व करो ना। ये बुक है, ये बुक है, इसको पढ़ो ना, ये बुक है, इसको पढ़ो ना। अगर इस तरह से आपको पढ़ना आ जाता है तो आप अपने इंटेलेक्ट को सही तरह से यूज कर रहे हैं। यानी जो मैं बातें बोल रहा हूं सिर्फ उसको टेम्पररी बेसिस पे सुन करके एक्साइटेड नहीं हुए, और जैसी ऐसी बातें हुई जो थोड़ा सा डीप जा रही है तो डिप्रेस नहीं हो गए, यार कुछ ऐसा हो ना, गूज़बम्प्स नहीं आ रहे, ये कैसा सेंटेंस है, मैं गूज़बम्प्स ही नहीं आ रहे। इंटेलेक्ट के लेवल पे कोई गूज़बम्प्स नहीं आते हैं, ये जो गूज़बम्प्स है, चार्ज्ड अप है, एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन है, वो सब माइंड के लेवल। बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, एक्साइटमेंट से आगे नहीं बढ़ते। एक्साइटमेंट में ज्यादातर रायता फैलता है। लाइफ की आपकी जो सबसे बड़ी गलती है वो कब करी थी, जब डिप्रेस थे या जब जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड थे? इस सच को देख पा रहे हो? कुछ ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं हम जो नहीं करने चाहिए, फिर पूरी जिंदगी रोते रहते हैं बैठे बैठे। हम तो भूल जाते हैं, सामने वाला या सामने वाली नहीं भूलते कि तुमने 10 साल पहले वो कहा था, अरे भैया वो मैं कहीं और था, निकल गया था कुछ मुंह से, कहां थे? एक्साइटेड थे। तो एक्साइटमेंट डिप्रेशन दोनों कचरा है, इसको छोड़ दो, आता जाता रहेगा। कचरा आएगा मतलब ये नहीं कि ना आए, आता जाता रहेगा। जैसे वेदर है, मौसम नहीं है, आता जाता रहता है। कचरे का मतलब ये नहीं कि अब वो ना आए, मतलब उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, सोचो मत कि गर्मी आ गई। यही तो इंडियंस की प्रॉब्लम है। कभी नोट किया है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेले लोग हैं, उनके पास और कोई काम ही नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, और ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड बहुत पड़ रही है। ये बातें हैं करने वाली, सुबह से रात तक उनके पास और कोई काम ही नहीं है। इस साल इतनी ठंड नहीं पड़ रही जितनी पहले पड़ी थी, इस साल ठंड जल्दी आ गई, इस साल ठंड बहुत लेट आई है। अबे क्या ठंड पे एनालिसिस कर रहे हो तुम? ठंड के फिलोसोफर्स, गर्मी के फिलोसोफर्स, मतलब है क्या इंटेलेक्ट? वही जो मैंने फरारी वाला एग्जांपल दिया है, पता नहीं क्या उसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, चिंदी काम के लिए, बैल बांध दिया सामने फरारी के। है वही इंटेलेक्ट जिसको यूज करके अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। दुनिया किस तरह से यूज कर रही है और आप किस तरह से यूज कर सकते हो वो सोचना है। जैसे जैसे समझ आता चला जाएगा, आता चला जाएगा,
ये समझ ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन।